एलजेब्रा के क्वेश्चन करने के बाद में अभी हम सॉल्व करने वाले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्योमेट्री, इसके बाद में स्टैटिक्स के सारे सवाल लेंगे, माध्यम माध्यिका बहुलक के जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे 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 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति का। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन, निर्देशांक अक्षों से बिंदु एक्स वाई की दूरियों का योग क्या है। नहीं, आपसे पूछा है भाई कोई बिंदु है अक्षों से दूर है तो उनका योग क्या होगा, दूरी का योग क्या होगा। दे रखा है एक्स प्लस वाई, रूट एक्स प्लस वाई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये सिंबल होते हैं मॉड के होते हैं। मॉड का मतलब होता है मापांक क्या करता है कि किसी भी प्लस माइनस की संख्या को हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। अगर इसके अंदर संख्या माइनस की भी है तब भी बाहर आएगी तो हमेशा प्लस की होकर के बाहर आएगी, ये मापांक या फिर मॉड इसको बोला जाता है। तो सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोला है कि निर्देशांक अक्षों से, सपोज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चारों चतुर्थांश से ये हो गया मूल बिंदु, इसके निर्देशांक हमेशा रहते हैं 0 0, ये 1 2 3 4, जस्ट इमेजिन 1 2 3 और 4, ये हो गया 1 2 3 एंड 4, ये इधर बॉक्स में चलता है माइनस में, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो बोला गया भाई निर्देशांक अक्ष हो यानी कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ये ऋणात्मक वाई अक्ष और ये ऋणात्मक एक्स अक्ष। तो बोला है निर्देशांक अक्षों से कोई भी बिंदु ऐसा है, कोई भी बिंदु, सपोज हमने इमेजिन किया कि कोई बिंदु पी है, ठीक है ना, ये कोई बिंदु पी है, ये निर्देशांक अक्षों से दूर है, ये इतना दूर है, ये दूर है आपके 3 3 इकाई और ये दूर है 2 इकाई, ये वाई अक्ष से दूरी इसकी है 3 इकाई। अगर ये दूरी मैंने मेजर की तो ये आएगी 3 यूनिट जो कि इसके बराबर, ठीक है, और ये दूरी मेजर की तो ये आपकी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 यूनिट, ठीक है ना, 2 इकाई। इसका मतलब ये हो गया अभी दूरी का योग कितना हो गया, वाई अक्ष से दूरी 3 हो गई और एक्स अक्ष से दूरी 2 हो गई, यानी कि 3 + 2 कितना आ गया, 5 आ गया, ये आ गई दूरी। इसमें अगर यही बिंदु इस बॉक्स में होता, द्वितीय चतुर्थांश में होता, इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे लेते कि अगर ये यहाँ पे होता बिंदु, जस्ट इमेजिन ये पी बिंदु है, तो इस पी बिंदु की दूरी अगर मैं बात करूँ वाई अक्ष से कितनी, तो वाई अक्ष से दूरी आपकी ये है, ये वाई अक्ष और ये दूरी आपको पता है -3 के बराबर है, तो ये दूरी होगी यहाँ से होगी -3। और अगर इसके बात करूँ एक्स अक्ष से दूरी की बात करूँ, एक्स अक्ष से दूरी आपकी ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके 2 इकाई के बराबर। तो आपने देखा भी ये आ जाएगा -3 + 2 = -1। दोस्तों आपके कभी भी दूरी माइनस के अंदर नहीं होती, दूरी माइनस के अंदर नहीं होती है, क्षेत्रफल माइनस के अंदर नहीं होता है, परिमाण माइनस के अंदर नहीं होता है। लेकिन आपने क्या देखा कि जब आपने दूरी को जोड़ा तो ये आ गया -3 और +2 = -1, ऐसा कभी नहीं होता। ये निर्देशांक माइनस के हैं, ये दूरी जो है ना, ये लाइन हमेशा आपके 3 इकाई के इक्विवेलेंट है। पहला स्टेप, सेकेंड और थर्ड, ये दूरी जो आएगी 3 इकाई के बराबर आएगी, यानी दूरी कभी भी माइनस के अंदर नहीं होती है। निर्देशांक यहाँ पे बिल्कुल माइनस के हैं लेकिन दूरी कभी भी माइनस की नहीं है। तो ये आप इसको भी क्या लोगे, पॉजिटिव ही लोगे, नेगेटिव कभी नहीं लिया जाएगा। अगर ये बॉक्स यहाँ पे होता, सपोज 1 2 3 4, -1 -2 -3, अगर ये डॉट यहाँ पर होता तो ये दूरी होगी, ये दूरी होगी, इससे दूरी होगी 3 इकाई, न कि -3 होगा। -3 यहाँ पे अक्षों का मान है, निर्देशांक के ऊपर जो पॉइंट लगे हुए वो आपको शो करेंगे, लेकिन गैप जो रहेगा इसके बीच का डिस्टेंस, ये हमेशा 3 इकाई के बराबर रहेगा। ये भी 3 इकाई होगा और ये भी 3 इकाई, तो ये -3 और -3 कभी माइनस के 6 नहीं होंगे। दूरी की बात करें तो अगर आपने इसको ऐड किया तो दूरी हमेशा आएगी प्लस के 6 इकाई आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि अगर दूरी हम लोग लेंगे तो माइनस वाले चिन्हों को हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, और माइनस वाले चिन्हों को इग्नोर यहाँ से तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों का रोल आ रहा है, अंडर रूट का कभी नहीं होगा, और ये एक्स स्क्वायर ये वाला मान भी आपके कभी नहीं रहेगा। तो हो गया क्या कि भाई मॉड क्या करता है, मॉड हमेशा ये कहता है भाई आप है ना प्लस माइनस वाले सिंबल को क्या करो, इग्नोर करो, और वो जो मान रहेगा वो जोड़ने के बाद वो आपको ऑलरेडी मान किस में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेट आपका भले किसी भी चतुर्थांश में हो, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अगर दूरी की बात करोगे तो दूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी भी 4 इकाई है, -4 तो केवल इसका निर्देशांक है, ये दूरी -3, दूरी की बात करोगे तब भी ये 3 इकाई ही है,
नंबर लाइन के अंदर हम बैक जाते हैं, वापस आते हैं, ये जीरो से वन टू थ्री गए, इधर भी वन टू थ्री गए, तो ये तीन कहीं पीछे भी है, तीन कहीं आगे भी है, माइनस का रोल नहीं है इसके अंदर, दूरी हमेशा धनात्मक ही होती है। इसका मतलब अगर निर्देशांक भले माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अगर दूरी की बात की जाए तो निर्देशांक हमेशा योग हमेशा किस में लोगे, प्लस में लोगे। इसका मतलब मॉड क्या करेगा कि सभी मानों को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। सपोज ये माइनस तीन और प्लस करना है माइनस तीन को, इनको ऐड करना है, तो माइनस तीन क्या है, मॉड क्या करेगा, इसको बाहर लेके आएगा प्लस में, अरे भी बाहर लेके आएगा प्लस में, तो तीन और तीन कितना हो गया, छः कहेंगे। अगर इसकी बात करते हो तो इसके कोऑर्डिनेट ये थे, पी बिंदु के निर्देशांक माइनस तीन कोमा दो थे, तो अगर इनके अगर हमको अक्षों से दूरी का योग चाहिए तो क्या करूँगा, मैं एक्स वाले निर्देशांक को डाल दूंगा मॉड में और वाई वाले को भी डाल दूंगा मॉड में, तो ये बाहर आएगा तो पता कैसे आएगा, प्लस का होकर आएगा, और ये भी आएगा तो प्लस का होकर, देन तीन और दो पाँच कहीं, आखिर है तो ये गैप ही है, ये तीन का गैप है, ये दो का गैप है, भले कितना ही गैप चला जाए, माइनस में ही क्यों ना चला जाए, ये लाइन कितनी बड़ी हो जाए, होगी तो पॉजिटिव में ही, ऋणात्मक संख्या यहाँ पे माइनस में शो कर रखी है, लेकिन दूरी जो होगी डिस्टेंस वो हमेशा आपके पॉजिटिव ही होगी, तो ये मॉड होकर के आ जाएगा तीन और दो पाँच, तो हमेशा दूरियाँ जो रहेगी निर्देशांक अक्षों से हमेशा दूरियों का योग मॉड एक्स प्लस मॉड वाई होगा, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक कभी ऋणात्मक नहीं होती है, क्षेत्रफल और परिमाप भी हमेशा धनात्मक, तो इसका आंसर आ जाएगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। और मॉड किसका काम करता है, मॉड काम करता है प्लस माइनस वाले सारे नंबर को बाहर लेके आता है प्लस में, ठीक है ना, मॉड इसका काम करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला सवाल, इसका आंसर आ जाएगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया है भाई क्या है कि यदि बिंदुओं ए बी बी सी सी ए से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु पर है, ठीक है। सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं कि मूल बिंदु पर कैसे होगा, ये आपको कोई त्रिभुज बता रखा है, बोला गया कि इसके निर्देशांक जो है, निर्देशांक ये ऐसे बढ़े हैं, ये ए बी है, ये इसके निर्देशांक बी सी है, ये इसके निर्देशांक सी है, और बोला है कि जो इसका सेंट्रोइड आता है केंद्रक, केंद्रक हमेशा कहाँ रहता है, मूल बिंदु पर, ये इसका केंद्रक है सेंट्रोइड, ये इसका केंद्रक हो गया, और ये पड़ा है मूल बिंदु यानी जीरो कॉमा जीरो पे, तो केंद्र के निर्देशांक क्या हो गए, जीरो जीरो हो गए, एक्स और एक्स के भी निर्देशांक जीरो और वाई के भी निर्देशांक जीरो। तो बोला ये गया कि आप क्या याद करें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का माध्य याद करें, आपको फाइंड आउट ये करना है कि ए क्यू बी क्यू और सी क्यूब का माध्य ज्ञात करना, ठीक है ना, इसका माध्य क्या होगा ये आपको पता करना है। तो देखो बता रखा है कि भाई निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ये ए बी बी सी और सी ए निर्देशांक वाला ट्रायंगल है, उसके केंद्रक पड़े हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मूल बिंदु पे, जिसका निर्देशांक हमेशा रहता है जीरो कॉमा जीरो। तो सॉल्व कैसे करोगे कि भाई हमें अच्छे से पता है भाई किसी भी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, किसी भी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, किसी भी त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, ये आपके रहते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये रहते हैं x और y के निर्देशांक रहते हैं केंद्र वाले, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, y1 प्लस y2 y3 बटा 3। अब ये x1 y1, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, ये x1 y1 हो गया, ये हो गया x2 y2 और ये आपके लिए हो गया x3 y3, ठीक है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू और यहाँ से पता लगेंगे। तो अगर x अक्ष वाले चाहिए निर्देशांक, केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे भी a x1 a x2 b प्लस x3 c अपॉन टू सॉरी अपॉन थ्री, इक्वल कितना आएगा, जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि केंद्र कहाँ पर पड़ रहा है, केंद्र पड़ा है मूल बिंदु पे, मूल बिंदु में क्या होता है, एक्स एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है, इसका मतलब क्या आ गया, जीरो आ गया। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था कि भाई ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना आ गया, जीरो आ गया, कितना आ गया, तीन को यहाँ भेजा, जीरो इंटू तीन बराबर कितना हो गया, जीरो हो गया। सेकेंड वाले देखते हैं वाई वन वाई टू वाई थ्री, इसके निर्देशांक कितना आएंगे, वाई वन कितना है, ये बी है, वाई टू कितना है, सी है, और वाई थ्री कितना ए है, तो ये बी प्लस सी प्लस ए अपॉन थ्री इज इक्वल टू आ गया जीरो। इसका मतलब यहाँ से भी क्या मिलेगा, यहाँ से भी ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर भी जीरो मिला, क्योंकि केंद्र कहाँ पड़ा है, मूल बिंदु पे, मूल बिंदु पे हमेशा निर्देशांकों का मान जीरो जीरो होता है। तो आप हमने ये देखा कंडीशन क्या आ रही है,
कंडीशन ये बनेगी भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, जीरो आ गया। अब बोला क्या है, आप क्या ज्ञात करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का माध्य ज्ञात करें। माध्य बराबर होता है, औसत बोल दो एवरेज बोल दो, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियाँ कितनी हैं, तीन हैं, तो राशियों का योग कर लिया, ए बी सी का माध्य आ गया, ये माध्य लिखा हमने, ये माध्य आ गया भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटा तीन। ऐसे माध्य ज्ञात करते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या आएगा कि एलजेब्रा के अंदर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला वो आपका ये है कि भाई यदि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो होता है तो एक समीकरण रहता है वो ये कहता है भाई ए क्यूब तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर हमेशा जीरो होगा। बीजगणित का समीकरण है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान जीरो हो, शून्य हो, तो क्या होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी बराबर हमेशा जीरो होगा। तो अगर ऐसा होगा तो भाई अगर मुझे खाली यही चाहिए कि मुझे चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो मैं क्या करूँगा माइनस थ्री ए बी सी को इधर चला जाएगा, तो ये माइनस थ्री ए बी सी यहाँ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये हो गया थ्री ए बी सी। इसका मतलब ये हो गया कि भाई ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो है ही हमारे लिए भी, इसका मतलब हम यहाँ पर भी कंडीशन ये वाली लगा सकते हैं। अगर ये वाली कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, इसका मतलब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह थ्री ए बी सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया अभी क्यूब वाले के प्लेस पे हम ये थ्री ए बी सी लिखा जा सकता है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिखा थ्री ए बी सी अपॉन थ्री हो गया, थ्री ए बी सी अपॉन थ्री। तो अब देखो ये क्या हो गया, थ्री से थ्री क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला, माध्य मिला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी का माध्य मिला है ए बी सी, और ये आपका हो गया आंसर। निर्देशांक ज्यामिति का सवाल सॉल्व कहाँ जाकर के सॉल्व हुआ, ये सॉल्व हुआ एलजेब्रा में जाकर के, यानी बीज गणित में जाकर के इसका हमको हल मिला। तो सारे के सारे टॉपिक कोई ना कोई आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप ये देखो कि भाई माध्य माध्यिका वाला भी सवाल भी कोई ना कोई एक क्वेश्चन ऐसा बना था जो आपके एलजेब्रा में जाकर के सॉल्व हुआ था। तो एलजेब्रा का नॉलेज भी आपको अच्छा खासा होना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन कहाँ जाकर जुड़ जाए इसका हमें कोई पता नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट पे कमांड इक्वल होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपने देखा भाई इसका आंसर क्या आ गया, ए बी सी, क्योंकि इसकी जगह हम लोग ये लिख सकते हैं और ये आपको आंसर मिला ए बी सी। तो आइए चलते हैं अगला सवाल लेते हैं, तीसरा सवाल, तीन ही सवाल पूछे गए थे, तीसरा सवाल फाइनल क्वेश्चन। आइए दोस्तों लेते हैं अगला सवाल, 2013 के अंदर ही तीन सवाल पूछे गए थे, तीन सवाल के अंदर तीसरा सवाल आपका ये है कि पूछा ये गया था भाई बिंदु ए जीरो, जीरो बी और वन वन, ये तीनों क्या संरेखीय हैं। संरेखीय होने का मतलब होता है तीनों एक ही लाइन के अंदर, जैसे ये लाइन ड्रॉ कर ली तो तीनों एक ही लाइन, भाई इस पर भी है, इस पर भी है, इस पर, तीनों एक ही लाइन के अंदर है, ठीक है ना। या फिर ये लाइन ड्रॉ की, ये तीनों एक ही लाइन के अंदर है, ठीक है ना, संरेखीय। तो संरेखीय हो गया, तो बोला कि कौन सी कंडीशन होगी जो संरेखीय होने होने वाली कंडीशन को फॉलो करेगी, ठीक है ना, कि यार ये होगा अगर संरेखीय होंगे तो क्या ये सही होगा, या फिर ये होगा, या फिर ये, या फिर ये, चारों में से कोई एक सही होगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि अगर बिंदु दे रखे हैं, देखो ऐसा है कि बिंदु दे रखे तो अलग अलग संरेखीय होने की कंडीशन क्या है कि भाई ढाल, दोनों बिंदुओं के बीच की ढाल हमेशा बराबर होनी चाहिए। कैसे होगा, इधर देखना कि ये दे रखा है एक लाइन दे रखी, ठीक है, ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सपोज ये ए हो गया, ए के कोऑर्डिनेट हो गए ये ए कॉमा जीरो हो गया, ठीक है, तो बड़ा लिख देते हैं ये ए कॉमा जीरो, तो ये बी हो गया, बी के कोऑर्डिनेट हो गए जीरो कॉमा बी, और ये बिंदु सी हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा। तो क्या होगा कि संरेख होने के लिए ढाल हमेशा बिंदुओं की ढाल, ढाल यानी कि प्रोणता का मान बराबर होना चाहिए, यानी कि ए बी की रेखा ए बी की ढाल बराबर होनी चाहिए रेखा बी सी की ढाल पे, ठीक है ना। अब ए बी की ढाल और बी सी की ढाल पता कैसे करेंगे, अगर कोई आपको लाइन दे रखी है, अगर आपको किसी रेखा की ढाल पता करनी है, लाइन की ढाल यानी प्रोणता पता करनी है, तो उसका मान ये रहता है कि ये आप चाहो तो इसको पहले कंसेप्ट में डाल सकते हो कि ये दे रखा है ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए एक्स वन वाई वन, इसके हो गए एक्स टू वाई टू। तो रेखा की ढाल क्या होगी कि रेखा की ढाल सदैव एम बराबर वाई टू माइनस वाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। अलग अलग कंडीशन में ढाल ज्ञात करने का अलग अलग फॉर्मूला है, कौन कौन सा है कि यदि आपको कौन दे रखा हो, बोला ये गया कि एक्स अक्ष है, ठीक है ना, मैं एक बार आपको सारे कंसेप्ट लिखवा देता हूँ कि ये बोला गया कि भाई अगर एक्स अक्ष के साथ कोई रेखा कोई कोण बनाती है 30 डिग्री 60 डिग्री व्हाटएवर, अगर पर्टिकुलर आप अगर आपको कोण दे रखा है, कोण यानी कि आपको थीटा का मान बता रखा है,
और बोला कि अब आप क्या करें, रेखा की ढाल पता करें, ये ढाल इतनी ढाल होगी, झुकाव हो गया, ढाल का मतलब होता है झुकाव, और ये लाइन है ये इसकी ढाल हो गई, ये लाइन है ये इसकी ढाल हो गई, या फिर ये इसकी ढाल हो गई। तो ढाल कैसे याद करेंगे, अल्फा और बीटा, कि अगर पर्टिकुलर कोण दे रखा हो तो कोण के ऊपर ढाल याद करने का फॉर्मूला ये है कि एम बराबर हो जाएगा टेन थीटा। एम बराबर क्या हो गया, टेन थीटा। अगर ऐसा सवाल बोला गया कि एक रेखा कोई है वो एक्स अक्ष के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है, क्या बोला कि कोई लाइन है, ये लाइन आपके एक्स अक्ष के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसकी ढाल याद करें तो आप कुछ मत करना, एम बराबर टेन थीटा, यहाँ पे थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो आपको 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान पता होना चाहिए कि टेन 30 डिग्री बराबर किसके होता है, ये होता है 1/√3 के बराबर। इसका मतलब एम बराबर कितना आ गया, ये आ गया 1/√3, ये आ गई ढाल मिल गया आपको, ठीक है ना। इसका मतलब रेखा की ढाल कितनी आ गई, 1/√3। ये तो बात हुई तब जब पर्टिकुलर कोण दे रखा हो। अब दूसरा कि अगर आपको कोई दो निर्देशांक दे रखे हो, ठीक है ना, उसके बीच ढाल के पता कैसे करेंगे, उसके लिए ये वाला रहा कि भाई दो बिंदु हैं, एक लाइन है, लाइन के बीच की ढाल याद करनी है, तो उसके लिए क्या देगा वो दोनों बिंदुओं के निर्देशांक देगा आपको, तो दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए आपको x1 y1 x2 y2, जैसे यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। अब इनके बीच की ढाल y2 - y1 / x2 - x1, ये वाला फॉर्मूला कब, जब आपको कोऑर्डिनेट बाकायदा पर्टिकुलर अलग से दे रखे हो। तो दूसरा ये हो गया ढाल का ज्ञात करने का तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि अगर आपको रेखा का समीकरण दे रखा हो, जैसे बता रखा भी 3x + 4y = 12, अगर आपको पर्टिकुलर रेखा का समीकरण बता रखा हो, जैसे ये बता दिया भी 3x + 4y = 12, तो रेखा के समीकरण से हम लोग ढाल कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसकी ढाल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है कि भाई किसी भी रेखा का स्टैंडर्ड इक्वेशन, कोई भी लाइन का मानक समीकरण क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन वो ये होता है कि y = mx + c, किसी भी रेखा का स्टैंडर्ड समीकरण ये रहता है। तो आप क्या करें कि अगर आपको कोई भी लाइन दे रखी हो उसको क्या करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करें। कैसे करोगे, ये आपको लाइन दे दी, अब इसमें क्या होगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर एक्स के आगे वाला गुणांक क्या होगा, ढाल होगा, एम बराबर ढाल को शो करता है, ठीक है। तो आपने क्या करना, इस ये वाली रेखा को कन्वर्ट किया स्टैंडर्ड इक्वेशन में, यानी आपको क्या करना है, आपको वाई को ओपन करना है, वाई के साथ वाले सारे नंबर को उधर भेज देना है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, 4y को तो रखा इधर ही, और ये प्लस का 3x, ये कहाँ आ गया, माइनस में, ये वाला प्लस का 3x कहाँ आ गया, माइनस में, तो ये आ जाएगा -k 3x, और ये प्लस के 12 ऑलरेडी पड़े हैं। अब आपको ओनली वाई चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, 4y का क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, तो ये हो गया कि वाई इसमें भाग लगा दिया, वाई आ गया, ये आपको मिला -3/4x, और ये मिला 12 में 4 का भाग लगा दिया 3। तो आपने क्या देखा कि अब ये वाला जो समीकरण बना रेखा का, ये वाला आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म का हो गया, वाई का वाई बराबर का बराबर, एम का आ गया मान -3/4, एक्स का एक्स, प्लस का प्लस, सी का सी। इसका मतलब यहाँ पे एम बराबर कितना आ गया, एम बराबर यहाँ पे आपको मिलता है -3/4। इसका मतलब रेखा की ढाल कितनी होगी, -3/4। कब ज्ञात कर सकते हैं, जब आपको पर्टिकुलर रेखा का समीकरण लाइन का इक्वेशन आपको बता रखा हो, ठीक है। तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए, साथ साथ में कोई अगर कंसेप्ट हुआ तो वो भी हम लोग साथ में लिख करके सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ाना तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन साथ साथ जो भी आते रहेंगे मैं आपको साथ साथ में बताता रहूँगा, ठीक है। तो अब ये अप्लीकेबल कौन सा करेंगे हम इसके अंदर, इसके अंदर ना तो कौन दे रखा है, ना आपको रेखा का समीकरण दे रखा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट तो आपको दे ही रखे, आपको यहाँ पे निर्देशांकों के मान दे रखे, कुछ नहीं करेंगे, यही मान यहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। तो होगा क्या, एक बार के लिए हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, ए बी के बीच की ढाल ज्ञात करेंगे और बी सी के बीच की ढाल। अब हमने ये मान लिया भी ए बी के बीच की ढाल आएगी एम वन और बी सी के बीच की ढाल आएगी एम टू, और तो तीनों सौ एक ही होने की कंडीशन एक ही होती है कि दोनों रेखाओं की ढाल बराबर होनी चाहिए, अगर ये इतना झुका हुआ है तो दूसरा पॉइंट भी इतना ही झुका होना चाहिए, अगर ये तीनों बिंदु सौ एक नहीं है तो इनकी ढाल कभी भी आपस में बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। सपोज एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो इसकी ढाल पर क्या हो जाएगी, इसकी ढाल पर फर्क पड़ जाएगा, तो आपस में कभी बराबर नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, इनकी प्रवणता पता की, प्रवणता यानी कि ढाल, और उनको देखेंगे आपस में बराबर है या नहीं है, लेकिन इसने तो खुद ही बता रहे क्या सौ एक है, इसका हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे, m1 = m2, यही कंडीशन है, अगर संरेखीय है तो ढाल बराबर होगी, अगर ढाल बराबर है तो बिंदु अपने आप संरेख हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने ए बी की ढाल पता की, अब ए बी के लिए हमारे लिए क्या हो गया, ए बी के लिए हमारे लिए x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। अगर हम खाली ए बी की ढाल पता कर रहे हैं तो हमारे लिए x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि ढाल बराबर होता है y2 - y1 / x2 - x1। तो यहाँ भी लगा दी हमने कि हमने ढाल पता की m1 यानी कि ए बी के बीच की ढाल पता की, ठीक है ना, ये ए बी रेखा की ढाल पता की m1 बराबर कितना आ गया भाई,
y2 कितना है, b है, y2 माइनस y1, y1 कितना है, 0 है, अपॉन x2 कितना है, 0 है, माइनस x1 कितना है, a है। इसका मतलब यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको मिलता है माइनस बी अपॉन ए, बी माइनस जीरो बी, और जीरो माइनस ए माइनस ए, तो माइनस को ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फ्रैक्शन पूरी हमेशा माइनस करने रहेगी, ठीक है। तो ये आ गया आपके लिए ढाल, आ गया m1। अब दूसरा आपने देखा बी सी रेखा के बीच की ढाल, ठीक है ना, बी सी रेखा की ढाल आ गई m2, तो बी सी की ढाल। अब क्या होगा, अब आपके लिए x1 y1 ये होंगे और x2 y2 ये हो जाएंगे, निर्देशांक आपके चेंज होंगे भाई, अब क्योंकि हम इसका मान याद कर रहे हैं। तो आपने क्या कर दिया, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, y2 आपके लिए 1 है और y1 कितना है, b है, तो ये हो गया 1 माइनस b, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2, x2 यानी 1 और x1 यानी 0। यहाँ से आप क्या मिले, यहाँ से आपको मिलता है 1 माइनस b बट्टा 1। अब 1 बट्टा ये करोगे तो वैल्यू तो आपको आखिर वही मिलनी है, 1 का भाग लोग वैल्यू भाई। अब संरेखीय है, इसका मतलब बाई डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक ढाल भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो बराबर ढाल बराबर हो जाएगी, इसका मतलब माइनस बी बटा ए बराबर आना चाहिए 1/b के, यानी कि आ गया भाई माइनस बी बटा ए जो है ये अपने आप बराबर हो जाएगा 1/1 - b के, ये हमेशा सही है कॉन्सेप्ट है। तो ए को क्या कर दिया, इधर भेज दिया, तो ए क्या होगा, एक को भी गुणा हो जाएगा और बी को भी गुणा हो जाएगा, तो यहाँ बचा है माइनस बी बराबर ए गुणा हो गया एक को तो आ गया ए, और ए गुणा हो गया बी को तो आ गया माइनस का ए बी, आ गया क्या आ गया, माइनस का ए बी। अब ये माइनस का ए बी इधर आ गया तो प्लस का, और माइनस का बी इधर जाएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा भाई ए बी इधर आ गया, माइनस का ए बी पूरा इधर आ गया, बराबर का निशान ए का ए पड़ा है और बी उधर चला गया, तो ये किसका हो गया, ये हो गया प्लस का हो गया। अब हमने देखा भाई ऐसा तो इक्वेशन कहीं पर भी है ही नहीं है, ये ए प्लस बी पड़ा है लेकिन बराबर तो एक है, ये ए बी तो है ही नहीं, और ये ए बी पड़ा है ये भी नहीं मैच करेगा, ये ए प्लस बी मैच नहीं करेगा, तो मैच कौन, तो हमने क्या किया, हमने एक बार इक्वेशन कोई मैच नहीं कर रहा तो इसको और सॉल्व किया, और कैसे सॉल्व करोगे भाई, इधर भी एक पढ़ा है इधर भी एक पढ़ा है, तो एक आ कब सकता है, जब मैं कहें ए बी के अंदर ए बी का भाग लगाऊं, तो आपने क्या कर दिया सबके अंदर ए बी का भाग लगाया, कि ये हो गया ए बी बट्टा ए बी बराबर ये भी हो गया ए बट्टे ए बी प्लस ये हो गया बी बट्टे ए बी, सभी समीकरण के अंदर हमने ए बी का भाग लगा दिया, सब सारे पदों में लगेगा, तो ये तो क्या हो गया ए बी से भी कैंसिल हो गया, ये आपको मिल गया 1, ये ए से ही कैंसिल हो गया, यहाँ से आपको मिलेगा 1/b, फिर प्लस का प्लस, ये क्या हो गया बी से बी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/a। तब आपने क्या देखा कि ये इक्वेशन लगभग ऐसा है कि भाई 1/a प्लस 1/b बराबर 1, ऐसा इक्वेशन आपने देखो कहाँ पे पड़ा है, ये यहाँ पे पड़ा है ऑप्शन नंबर 4 में, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 4, कि अगर तीनों बिंदु संरेख होंगे तो ये वाली कंडीशन उसको फॉलो करनी पड़ेगी, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये हो गया निर्देशांक ज्यामिति के तीनों प्रश्न पूरे हो गए, एडीसी 2013 के अंदर आपको सवाल 3 ही पूछे गए थे, कंसेप्ट ज़्यादा हार्ड नहीं ले रहा है, सतह वाले कंसेप्ट ही ले रहा है, लेकिन अगर आपको डीप कंसेप्ट चाहिए तो आपको आपको नॉलेज वाई लेना पड़ेगा, इसके अंदर लाइन के इक्वेशन आते हैं, रेखाएं समांतर चलती है, रेखाएं लंबवत हैं या फिर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ढाल का रहता है, प्रोणता का रहता है, 2-3 कंसेप्ट रहते हैं कि रेखाएं एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे हैं, रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो इसके अंदर भी ढाल का कंसेप्ट रहता है, कि इसमें क्या होगा कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है तो क्या हो जाएगा, दोनों रेखाओं की ढाल आपस में बराबर होगी, और अगर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत है इनके बीच की ढाल का बीच में रिलेशन ऐसा होगा कि m1 × m2 बराबर ये होगा माइनस। तो ऐसे कुछ एक कंसेप्ट है पर्टिकुलर, उसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा उन सारे कंसेप्ट को। देखिए हमने कर लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सवाल कर लिए,